बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस बहुत से कमेंट आ रहे थे किस टॉपिक पे, मूवीज अपलोड करने के टॉपिक पे। बहुत से लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि हम जो है वो कोई भी MCN अपना जो है वो ज्वाइन करवा के उस पर जो है वो हम कंट्री ब्लॉक करके, सिंपल जो है वो कंट्री ब्लॉक करके हम जो है वो पूरी पूरी मूवीज उठा के अपलोड कर देंगे। और ये गलती आपकी नहीं है, गलती जो है वो यूट्यूबर्स की है, जो आपको ऐसे गाइड करते हैं कि भाई जान MCN ज्वाइन कर लो और उसके बाद जो है वो आपने सिर्फ यहाँ से वीडियो, यहाँ से जो है वो अपनी मूवी उठानी है और सिंपल जो है वो कंट्री ब्लॉक करके अपलोड कर देनी है। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई जान कुछ वीडियोज़, कुछ मूवीज़ हैं ऐसी जो कि सिर्फ और सिर्फ कंट्री में ब्लॉक की गई हैं। बाकी जो यानी कि अब इंडिया की मूवी है तो कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो सिर्फ इंडिया में ही ब्लॉक की गई हैं, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस उसका जो है वो उस ओनर के पास ही है। अगर आप इंडिया यानी कि पूरे एशिया को भी बंद कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में भी अगर वो आप वीडियो चलाना चाहेंगे तो नहीं चला सकते, आपकी वीडियो जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी, आपका जो है वो मूवी ब्लॉक कर दी जाएगी, ये सीन होगा। अब आपने जो है वो अब आप ये सोच रहे हैं कि यार बहुत से जो है वो यूट्यूबर वो जो है वो अपलोड कर देते हैं, वो कैसे अपलोड करते हैं, उनका MCN जो ही ना कंट्री ब्लॉक कर देते हैं हम इंडिया की, नेक्स्ट आगे क्या काम करते हैं? आगे जो है वो सारा जो है वो स्टार्टिंग में जो चल रहा होता है जी, इसने मूवी बनाई, ये सारा इसका स्पॉन्सर है, ये जो एक्सेट्रा जो आप पट्टीज वगैरह चल रही होती है इस पर नाम वगैरह लोगों के आ रहे होते हैं वो सारा ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो है अगर कोई लोगो आ रहा था उसको जो है वो रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो मूवीज़ में कहीं पे भी कोई सॉन्ग्स वगैरह आता है उसे कट कर देते हैं, कोई ब्लडी सीन आता है उसे जो है वो ब्लर कर देते हैं, कहीं कहीं एक्शन सीन जो आते हैं वो भी जो है वो ब्लर कर देते हैं, तब जाके जो है वो ज्वाइन करते हैं। एक हाल ये है। और दूसरा हाल क्या है जी? दूसरा हाल उन्होंने जो है वो लाइसेंस लिया होता है, मूवीज़ अपलोड करने का लाइसेंस होता है, वो ले लेते हैं ऑफिशियली तौर पर मिलता है वो लाइसेंस, या फिर जो है किसी आप ब्रांड MCN में ज्वाइन करवा के भी ये लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन जो है वो ये ज़्यादातर जो है वो ऑफिशियली तौर पे जाना पड़ता है उनके पास, और तब जो है वो आप मूवीज़ का लाइसेंस लेके तब जो है वो आप मूवीज़ अपलोड कर सकते हैं। बाकी जो है ये आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे सिंपल जो है वो हमने MCN ज्वाइन करवाया, कंट्री ब्लॉक करके हमने मूवीज़ अपलोड कर दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एडिटिंग स्किल इसमें जो है वो लाजमी चाहिए, एडिटिंग आपकी जो है वो होनी चाहिए इसमें जो है, जैसे मैंने आपको बताया ब्लर इफेक्ट हो गए और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हो गए, ये आपने लगाने हैं बीच में, देन जो है वो आप इस पे मूवीज़ पे काम कर सकते हैं। अगर आपने जो है वो एक मूवी अगर अपलोड भी कर दी, आपकी जो है वो ऑल ओके मूवी अपलोड हो गई है, तो तब भी आपको क्या मसला आ जाएगा? आपके हद जो है वो एक दो हफ्ता साल या फिर चल जाएगी, लेकिन साल के बाद जो है वो डिलीट होगी वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो तब जो है वो आपकी थोड़ी देर मूवी चल जाएगी, आपको जो है वो अच्छे पैसे दे देगी। अगर वो नहीं चलती तो तब जो है वो आपका चैनल भी ब्लॉक कर सकती है, और आपकी जो है वो अर्निंग तो जाएगी ही जाएगी, मसला ये होता है कि चैनल भी ब्लॉक कर सकती है। अब आप ये सोच रहे हैं यार वो भी तो यूट्यूबर है जिसने जो है वो मूवीज़ रोज़ की अपलोड करता है, दो तीन मूवीज़ अपलोड करता है, लेकिन उसका जो है वो कोई मसला नहीं हुआ, तो भाई जान उसका जो है वो एक लक भी अच्छा और उसके जो उस पर जो है वो उसने एडिटिंग भी अच्छी की है, उसको जो है वो तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करके तजर्बा लेना चाहते हैं तो ये जो है वो फिर वही बात है कि आपने पहले सीखने के लिए भी जो है वो आपको MCN कोई भी ज्वाइन करवाना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो अपनी एडिटिंग कर करके आप जो है वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे जिसमें जो है वो A to Z आपको YouTube का पता लग जाएगा कि YouTube ये चीज़ को पकड़ते हैं, ये चीज़ को पकड़ते हैं, मैं वो जो है वो ओके कर दूँ। मेरे लिहाज से जितना मैंने सीखा है YouTube जो है वो फर्स्ट में जो पट्टियाँ चल रही होती हैं उसे पकड़ लेते हैं, उसको काट देना चाहिए, जो उनका लोगो आ जाता है वो काट देना चाहिए, कोई गाने वगैरह वो तो ऑब्वियसली सारों को पता है वो काट देने चाहिए, उसके बाद कोई ब्लडी सीन आ गया वो काट देना चाहिए, और कई कई जो है वो कट लगाने चाहिए, कट लगा कर रिमूव करनी चाहिए वीडियो, और हल्की फुल्की ब्लर भी करनी चाहिए। अगर ये करते हैं तो इनफ हो जाएगा, आपकी जो है वो मूवी ईजिली अपलोड हो जाएगी, या फिर चाहे वो पूरी पूरी मूवी है चाहे वो मूवी क्लिप है, ईजिली जो है वो आप कर देंगे। अब जो है वो न्यू मूवीज़ आ रही हैं, अब जो यानी कि सबसे पहले वो सिनेमा में चलती है, फिर उसके बाद थिएटर में चलती है, फिर उसके बाद जब यूट्यूब में आती है तो बहुत से लोग जो है वो इसका लाइसेंस ले लेते हैं ऑफिशियली तौर पे जाके। अब लाइसेंस लेने का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बड़ा ना मैंने कभी देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि कैसे लोग जो है वो जाके लेते हैं, ना मुझे पता है, तो इसलिए जो है वो गलत गाइडलाइन नहीं दूंगा। लाइसेंस ये है कि लाइसेंस ले लेते हैं, देन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, और उन्हें जो है वो लाइसेंस की भी पेमेंट तकरीबन वापस आ जाती है, और अच्छा खासा
जो उन्हें प्रॉफिट होता है वो तो अलग ही चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो सारी समझ लग गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ लगी तो इंस्टाग्राम पर रब्ता कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दुआओं में अपने भाई को याद रखना। लेकिन ये है कि मूवीज आप अपलोड कर सकते हैं 110%, लेकिन ये है कि उस पर मेहनत थोड़ी लगेगी। जब आप मेहनत कर लेंगे तो तब जो है वो आप मूवीज भी अपलोड कर सकते हैं, न्यूज़ भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने फॉक्स न्यूज़ अपलोड की हुई थी, और उसके बाद बीबीसी भी शायद कर सकते हैं। मैंने देखे हुए ऐसे चैनल, लेकिन अपना कभी नहीं काम किया। फॉक्स न्यूज़ पे मैंने लाजमी काम किया है। और जो है वो अगर कोई बंदा प्रूफ मांगता है तो चैनल में प्रूफ है बहुत से, यानी कि वीडियो में बताया भाई देखें बीबीसी न्यूज फॉक्स न्यूज़ उसमें ऐसे काम हो रहा है वैसे काम हो रहा है सारा बताया हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी से कर देना। दुआओं में अपने भाई को याद रखना। ढेर सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।